एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप लोग इस तरीके से बिना रिंकल का, बिना झोल का जो है पोंचा बना सकते हो सलवार की। ज़्यादातर क्या हो रहा है कि सलवार के पोंचा बनाते टाइम जब हम फिनिशिंग से उसको लगाने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ पे झोल आ जाता है, यहाँ पे सलाने लगता है, और ख़ास करके बिगिनर्स के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो उस चीज़ को कैसे आप लोग देखेंगे कि आपका जो ये है बिल्कुल साफ़ सुथरा सुंदर सा बने? अगर सलवार में प्लेट्स और पोंचा प्रॉपर तरीके से नहीं बने होंगे ना, तो वो कितना ही अच्छा फैब्रिक का हो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आज मैं शेयर करूंगी कि कैसे आपको फिनिशिंग देना है। तो एक पोंचा मैंने बना लिया है, तो दूसरा पोंचा हम बनाएंगे। इस तरीके से पोंचा बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेस्टिंग यानी कि बुकरम काटनी होगी। तो बुकरम आपको कौन सा लेना है? वो वाला जिसमें कि आप चिपका सकते हो फैब्रिक के ऊपर, ठीक है? तो बुकरम को हमेशा यहाँ से मेजर करें, जहाँ जितनी चौड़ी पट्टी है और कितनी चौड़ी ऊपर तक आएगी वहाँ तक। कई बार क्या हो रहा है कि बिगिनर्स ऐसे कट कर रहे हैं सिर्फ इतना इतना हिस्सा लेकर के, ठीक है? इस तरीके से देखो, इतना इतना हिस्सा लेकर के वो कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बुकरम है यहाँ तक पहुँचती है और छोटा पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो हमारी पट्टी हमने कितने इंच की रखनी है, 1 इंच, 1.5 इंच जितनी भी हो, तो ये 1.25 इंच की पट्टी है। तो 1.25 इंच की आधा इंच छोड़ करके सिलाई के लिए, और फिर 1.25 इंच देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो आपको ये वाला हिस्सा मेजर करना है यहाँ पे कि कितना इंच आपका आ रहा है, ठीक है? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो ये आप मेजर करोगे ना, उतने लंबाई में आपको बुकरम की कटिंग करनी है। देखो मैंने ऐसे करके किया और थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ही रखा, ठीक है? इतनी लंबाई में कटिंग कर ली और एक फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया। अब सलवार का जो मोहरी है उसको आपको सीधे साइड ऐसे रखना है, और दोनों तरफ आपको बराबर बराबर इस तरह से पट्टी को निकाल के रखना है दोनों साइड, और थोड़ा बड़ा ही रहेगा, ठीक है? दोनों साइड रख करते हुए तब हमने स्टिच करना है। अब ये पट्टी स्टिच हो गई है, पट्टी को इस तरीके से मोड़िए, और जो हमारे मार्जिन है, मार्जिन पट्टी के साइड रखते हुए पट्टी के ऊपर प्रेस सिलाई चलानी है। तो इस तरीके से हमने प्रेस सिलाई चला दी। अब आपको क्या करना है, ऐसे आपको फोल्ड करना है अंदर, ठीक है? अंदर फोल्ड करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि कहीं पर भी रिंकल नहीं आना चाहिए, तो फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए सिलना है। तो सबसे पहले तो किनारी पे आप सिलाई लगाएंगे, तब इधर लगाएंगे, ठीक है? सबसे पहले हमें किनारी पे लगाना है। फैब्रिक को इस तरीके सीधा रखिए और हाथ को ऐसे कीजिए, आपका फैब्रिक बिल्कुल बराबर हो जाएगा। फिर से हमें ऐसे हाथ को रखना है, और देखो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तभी सिलाई चलानी है। अब बिगिनर्स क्या कर रहे हैं कि है ना, फैब्रिक ऐसे रखते हुए फिर सिल देते हैं, ऐसे चलता रहता है और पूरे में झोल आ जाता है। तो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं करना है आपको। इस तरीके से हाथ को रखते हुए फैब्रिक के और एकदम फिनिशिंग देना है, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद हमें ऊपर वाला हिस्से पे सिलाई लगानी है। तो उसको भी सिलाई लगाते टाइम हमने फैब्रिक को इस तरीके से हाथ से एकदम फिनिशिंग देना है। और जब आप यहाँ पे हाथ पे ऐसे फील करोगे तो आपको पता रहेगा यहाँ पे बुकरम की पट्टी लगी हुई है और आपकी सिलाई बहुत इक्वल लगेगी। तो ऊपर से ही सिलाई लगाना, ठीक है? इस तरीके से देखिए, ऐसे हमने अपनी बुकरम की पट्टी लगा ली, पूरा फैब्रिक एकदम इक्वल, ना कहीं झोल ना कहीं पर रिंकल, ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ से एकदम बराबर आया है, छोटा बड़ा नहीं हुआ।
बुकरम हल्का सा बड़ा है तो उसको अब हम काट देंगे, ठीक है, शेप में। और ये इतना होना भी चाहिए। साइडों से क्या होता है यहाँ पे कम पड़ जाता है हर किसी का, तो जैसे मैंने आपको नापना बताया वैसे ही नापना है तो सही हो जाएगा। अब एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि बुकरम यहाँ तक तो फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लगा ले रहे हैं, लेकिन उनको जब जिगजैग बनाना पड़ रहा है ना वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इतना आपको क्वार्टर इंच का गैप पे सिलाई लगानी है नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड। मैंने दोनों साइड क्वार्टर क्वार्टर इंच पे सिलाई लगा ली। अब बनानी है जिगजैग। तो देखो जिगजैग बनाने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरीके से चलाना होगा, ठीक है, तो जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही ध्यान दीजिएगा। नडल को एकदम हमारा जो ये हमने बॉक्स बनाया है छोटा सा क्वार्टर इंच वाला, बिल्कुल एकदम मिडल पे रखना है, नडल एकदम मिडल पे रहेगा, ठीक है। और अपना जो प्रेशर फुट है आपकी मशीन का उसको ऐसे दबाओ कि स्लो चले, ज़्यादा तेज भी नहीं और ज़्यादा स्लो भी नहीं, मतलब ऐसे चलाना है कि हमारी मशीन की स्पीड और हमारे हाथ की स्पीड मैच होनी चाहिए, तब जाके आपका जो जिगजैग है बहुत सुंदर बनता है, वो लहरिया बनेगा जो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे जो लहरिया है वो बन गए हैं और पास पास छोटा छोटा बना है। सेम तरीके से दूसरे साइड करेंगे। ठीक है, दोनों साइड मेरे लहरिया बहुत अच्छे से बन गए हैं, तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा काम इसमें प्रैक्टिस का है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो लहरिया है बहुत अच्छा बनेगा। और इसी का यूज करके मैंने इस तरह से यहाँ पे अपना जो मोहरी है वो बना लिया है, ठीक है, आप देख रहे हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे बीच में आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो जो आपकी मर्जी हो। तो होप बिगिनर्स के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा, वैसे बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि जब हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स काम करते हैं सलवारों पे तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो लोग सीख रहे हैं सिलाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो ना तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।